देखिए आज हम गोलगप्पों का पानी बनाकर दिखाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको गोलगप्पे का पानी बनाकर दिखाएंगे। ये हमने धनिया ले लिया है धो करके, काट कर लिया है। ये हमारा पुदीना है, पुदीना भी हम इसमें डाल देंगे। ये पानी बहुत टेस्ट लगता है। ये पुदीना और धनिया मिक्सी जार में डाल दिया है हमने ग्राइंडर में। देखिए इसमें हरी मिर्च डाल देंगे हम और इसमें अपने मसाले डालेंगे। आधी भी हींग डाल देंगे, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, इसमें काला नमक डालेंगे। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पानी में। देखिए हमने दो बड़ी इलायची ले ली है, हमने थोड़ा सा कूट लिया है ना, इनके बीज निकाल देंगे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये पानी में डालने से इसका पानी बहुत टेस्टी हो जाता है, इसका टेस्ट अलग ही आएगा। देखिए इसमें खटाई डाल देंगे एक चम्मच, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप कितने आपके धनिया है। और इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे जो हमने दाने निकाल दिए हैं, तो हम इसे पीस लेंगे ग्राइंडर में। हमने इमली एक घंटे के लिए पानी में गर्म पानी में भिगो दी थी, देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है। हम इसे हाथ से मैश कर लेंगे। देखिए अब हम इसे जार में पीस लेंगे, इसका बारीक पल्प बना लेंगे। देखिए हमने बारीक कर लिया है इमली का पल्प, और हम इसे छान लेंगे एक छलनी में। छान के दिखाएंगे आपको। ये पानी में हमने पुदीना धनिया की चटनी में बनाकर डाल दिया है, हमने इमली का पल्प निकाल लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना टेस्टी पानी बनेगा हमारा। देखिए वाइट नमक दो चम्मच डाल देंगे हम। अब काला नमक डालेंगे थोड़ा सा और, हम एक चम्मच काला नमक डाल देंगे। देखिए हमने काला नमक और सेंधा नमक डाल दिया है इसमें। देखिए कितना पानी हमारा गाढ़ा तैयार हो गया है। अब इसमें पानी हम ये और डालेंगे, देख सकते हैं आप। देखिए ये हमारा खट्टा पानी तैयार हो गया है, ये हम मीठा पानी बनाएंगे। हमने सादा पानी डाल लिया इसमें और 3 से 4 चम्मच ये डालेंगे अपनी हरी वाली। अब देखिए हम सौर बना के दिखाएगी आपको, आप देख सकते हैं हम इसमें अपनी मीठी वाली सौर बना देंगे, ये हमारा मीठा पानी बन जाएगा। देखिए हमारा मीठा पानी हो गया है तैयार, हमारा खट्टा पानी तैयार हो गया है। और इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम, ठीक इसमें काली मिर्च डालेंगे आधी चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, रेगुलर वाली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। ये बहुत चटपटा पानी बनेगा हमारा, बहुत टेस्टी। आधी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। देखिए कितना टेस्टी पानी हमारा उठकर तैयार हो गया। ये हमारा खट्टा पानी तैयार हो गया है और ये हमारा मीठा पानी है, इसमें हम काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा वाइट नमक डाल देंगे।
देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है पानी का हमारे। मीठा पानी बहुत टेस्टी बना है हमारा। इसमें बूंदी डाल देंगे हम। देखिए दोनों पानी हमारे तैयार हो गए हैं। अब गोलगप्पों के लिए आलू काट लेंगे। दोनों तरह का पानी बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मीठा पानी है, ये हमारा खट्टा पानी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा पानी बन गया हमारा। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप भी इसी तरह से पानी को बनाइएगा। हमारी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।